ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाए। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज 24 में, मैं हूँ कृतिका। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते देश भर में हुए लॉकडाउन के दौरान मुस्लिम समाज का धार्मिक रमज़ान का महीना भी शुरू हो गया है। लॉकडाउन के चलते रमज़ान माह में मुस्लिम समुदाय के लोग गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। गरीब व ज़रूरतमंद लोगों को राशन आदि सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। इसी क्रम में ज्वालापुर पीठ बाज़ार निवासी ऑल इंडिया अब्बासी डेवलपमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष रईस अब्बासी अपने क्षेत्र में सभी धर्मों के सैकड़ों लोगों को रोजाना आटा, दाल, चावल, घी और अन्य जरूरी खाद्य सामग्री की किट घर घर जाकर वितरित कर रहे हैं। रईस अब्बासी के बड़े बेटे अनीस का कहना है कि लॉकडाउन के चलते मुबारक रमजान का महीना शुरू हो गया है। पूरे रमजान माह में हमारे द्वारा ये कार्य निरंतर चलता रहेगा और जरूरतमंद लोगों को हम खाद्य सामग्री उपलब्ध कराते रहेंगे। प्राइम न्यूज 24 के लिए बच्चू सिंह की रिपोर्ट। लॉकडाउन में जो गरीब लोग हैं, ये हमारे द्वारा ये व्यवस्था की गई है। आदमी कमा नहीं पा रहे हैं, काम पे अपने नहीं जा रहे हैं, कोई आय का साधन नहीं है, इसलिए हमारे द्वारा ये व्यवस्था की गई है। इसमें सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी परिवारों को हमारे द्वारा तकसीम किया जा रहा है। इसमें आटा है, चावल है, दाल है, चीनी है और हल्दी, धनिया, ये सब है। पूरे रमजान कंटिन्यू चलेगा ये, और जो भी गरीब है सबके मदद की जाएगी। पहला रमजान है, इसको देखते हुए हमने जो है ये शुरू किया है। इबादत का महीना है, इसलिए हमने जो है बांटना शुरू किया है आज से पहले रोजे से। जान को देखते हुए हमारे द्वारा गरीबों को ये तकसीम किया जा रहा है।